प्रूनिंग एक पार्ट है, मगर अच्छी फ्रूट थिनिंग से आप कैसे उच्च गुणवत्ता का फ्रूट और साइज ले सकते हैं, ये आप लोगों ने देखा होगा। ग्रेनी स्मिथ बहुत ही शानदार फ्रूट है, खाने में बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और इसकी एक अपना ही फ्लेवर है। आप देखेंगे ये थोड़ा खट्टा होता है, मगर जब ये राइपिंग की ओर जाता है और ये बहुत अच्छे रेट भी लेता है। और आप देखेंगे इसकी शेल्फ लाइफ इतनी अच्छी है कि भाई आप इसको अपने रूम टेम्परेचर में मार्च अप्रैल तक भी स्टोर कर सकते हैं अपने घरों में। तो बागवान भाइयों, ये आपके पास पॉलिनेशन के लिए एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकती है ये वेराइटी। और जहाँ तक आपकी दुविधा है चैलेंजर, यूएसए या अदर ग्रेनी स्मिथ की, इस फेयर में ना फंसे। जो भी आपके पास मिले सब बेस्ट है, एक जैसा है। और इसको हम संजीत ठाकुर जी, इसको आप टॉप हाइट तक लगा सकते हैं। बिल्कुल अभी जो ये यहाँ प्लग कराया मैंने, ये लगभग 5300 की हाइट से लेकर 6500 की हाइट के जो मेरे ऑर्चर्ड है वहाँ तक का मैंने प्लग करा है। और जो ज़्यादा हाइट के बागवान हैं, जो लगभग 8000 से ऊपर की 8000 या इससे ऊपर बागवानी कर रहे हैं, तो उनके पास फ्यूजी एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है। फ्यूजी बहुत अच्छी मार्केट के साथ उतरेगा और बहुत अच्छी साइजिंग है, आप टॉप हाइट में फ्यूजी पे जाए। और जो थोड़े लोअर निचला क्षेत्र है वहाँ पर आप ग्रेनी स्मिथ पे जा सकते हैं। एक बार बागवान भाइयों, फिर से मैं आपको इसको साइज को लेके दिखाना चाहूँगा, क्वालिटी और साइज। आप देखेंगे अभी तक ग्रेनी स्मिथ का कोई भी दाना नहीं आया। पैकिंग स्टार्ट होने वाली है, स्टिकर का स्टिकर करो। खोलो, चल लगा ले। कुछ फ्रूट में आप हल्की सी लालगी भी देखेंगे, जो डायरेक्ट सन में होता है वहाँ थोड़ी सी हल्का सा ब्लश आता है, रेडिश ब्लश। बागवान भाइयों, पीजिए एप्पल, ये सिर्फ एक सिंगल ट्रे का बॉक्स है, इसमें डैमेज नहीं होता है फ्रूट और इजी आप इसको कैरी कर सकते हैं। हमारी एनजीओ की टेपिंग, पीजिए एप्पल, इस बॉक्स में बागवान भाइयों हम स्टेपिंग भी नहीं करते हैं, सिंगल टेप से इसको कवर करते हैं और इसमें आपके स्टेपिंग का खर्चा बच जाता है और इसमें इजीली हैंडलिंग है इसकी। जल्दी लगा ले, जल्दी लगा ले।